पश्चिम बंगाल में जारी ईडी की कार्रवाई का कहर पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों पर जमकर बरस रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच करते हुए ईडी ने पिछले दिनों अर्पिता मुखर्जी की कई करोड़ की संपत्ति सीज की थी। अर्पिता के फ्लैट से 20 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके कुछ ही दिन बाद ईडी ने आगे कार्रवाई करते हुए अर्पिता के दूसरे घर से 27 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। बताया गया कि ये सारा पैसा घोटाले से कमाया गया। भ्रष्टाचार का ये पैसा कुछ ही दिन में ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन ईडी ने पहले ही धावा बोलकर सब कुछ जब्त कर लिया। अब एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने अर्पिता की 31 एलआईसीओ को भी जब्त कर लिया है। जांच में पाया गया कि इन एलआईसीओ का नॉमिनी अर्पिता ने पार्थ चटर्जी को बनाया हुआ था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शिक्षक भर्ती घोटाले ने हलचल मचा रखी है। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस हमले में पार्थ चटर्जी तो सिर्फ मोहरा है, इसकी सरगना तो खुद सीएम है। कोर्ट में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में ईडी ने बताया कि पकड़े जाने से पहले पार्थ चटर्जी और अर्पिता मिलीभगत के साथ काम कर रहे थे। इस पूरे मामले में ये पहली बार था जब ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के संबंधों की सीधे तौर पर बात की हो। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बेलघरिया में क्लब टाउन हाउस के फ्लैट से 27 करोड़ रुपए और टॉलीगंज की डायमंड सिटी साउथ के फ्लैट से 20 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुल मिलाकर दोनों जगहों से अब तक अर्पिता के 49.8 करोड़ रुपए नगद और आभूषण जब्त किए गए हैं। ये दोनों ही फ्लैट अर्पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। अब अर्पिता के एलआईसी में नॉमिनी का नाम पार्थ चटर्जी पता लगा है, इससे ये भी साफ होता है कि दोनों कितने करीबी थे। ईडी ने कोर्ट में इन सब तथ्यों का जिक्र कर ये दावा मजबूत किया कि अर्पिता के पास से मिला पैसा सब पार्थ चटर्जी की देन है और ये सारा पैसा पार्थ ने घोटाले के काले धंधे से कमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।